हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गोवड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों, मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है। उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो, ताकि मेरी जो समस्या वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं, और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गाँव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गाँव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं, और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, तो कब होगा। मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं, और एकदम रियल होता है दोस्तों, भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है, और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जो भगवान बनते हैं गाँव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको, और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो, या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे,
उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर। पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गांव वालों को बोलता है कि तुम इस गांव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहां पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहां पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गाँव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है, तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गांव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगे वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमाघर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और मोबाइल में भी देख सकते हैं बट उतना ज़्यादा मज़ा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है। उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो।
अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को, मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहां पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है तो पुलिस वाला यहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहां पर एक गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहां पर जो गांव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वो वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के, मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि
जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी जमीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वाले की जमीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी, बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले, शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और मोबाइल में भी देख सकते हैं बट उतना ज़्यादा मज़ा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है,
जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा। मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों, भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गांव के मतलब उसी गांव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे।
अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब ये मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से, कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो, ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गाँव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गाँव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गाँव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं।
फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मगर भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं। बहुत टाइम चढ़ जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है। और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे। उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मजा आता था। वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है, तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गांव के, मतलब उसी गांव के पास एक शहर होता है वहां पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है, दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी।
और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, लेकिन सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई जाए कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहां पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहां पर एक गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहां पर जो गांव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है, दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को
इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। तब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगे वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वाले की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या हो सॉल्व हो चुके।
यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूंगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के, मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि एक गाँव वाले की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है।
और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसी इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो, ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गाँव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गाँव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वह भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गाँव के अंदर वो कोई और नहीं, बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है,
क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावने पे लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और जमीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चला जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है, बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वो वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं, फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है, और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है, और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में
सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा, और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं, और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि हूबहू भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं, मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं। और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं, और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावने भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चला जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है,
और गांव वालों को बोलता है कि तुम इस गांव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहां पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहां पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गाँव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है, तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक
वहाँ पर उसका भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वह भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है भगवान ठीक कर देते हैं, मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चढ़ जाता है शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गांव के मतलब उसी गांव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगे वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गांव वाले की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं,
हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी, बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले, शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है, तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है, दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन भगवान दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो, ताकि मेरी जो समस्या सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गाँव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गाँव का एक
बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहां पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहां पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहां पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमाघर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा
और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी के ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो, ताकि मेरी जो समस्या सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं, और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो, या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था।
अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं। बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है। और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे। उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था। वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गांव वालों को बोलता है कि तुम इस गांव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहां पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहां पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गाँव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है, तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के, मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वाले की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी।
और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि हूबहू भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावने भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई जाइए कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है, दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वो वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को
इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शिवा को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। तब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई ही पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या हो सॉल्व हो चुके,
यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूंगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ साल बाद शुरू हो जाती है जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि हूबहू भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चढ़ जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गाँव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है।
और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा अगर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गाँव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गाँव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गाँव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है,
क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उससे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है, दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गांव के मतलब उसी गांव के पास एक शहर होता है वहां पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं, फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है, और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है, और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है, वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था, इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है, अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा अगर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है, और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है, तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में
सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा, और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्मी घोबड़ा है उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है, और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजे की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं, मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं। और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं, और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त पर वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन है वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान ने ही कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारता रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है,
और गांव वालों को बोलता है कि तुम इस गांव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहां पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहां पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गाँव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। उल्टा पुलिस वालों को समझाता है, तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गांव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है। दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है। वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वाले की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमेक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब यह मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसी इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो सम्पमी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी और मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मज़ा मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक
वहाँ पर उसको भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या है सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गाँव वालों के जो भी समस्या है जो भी प्रॉब्लम है भगवान ठीक कर देते हैं, मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है तो कब होगा, मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों। भले ही आप मानते हो ना मानते हो बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावना भी लगता है, एक तरह से काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगे। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चल जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गाँव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है और गाँव वालों को बोलता है कि तुम इस गाँव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहां पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहां पर एक गाँव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहां पर जो गाँव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है, दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी भगवान ने दी थी ज़मीन वो वापस लेने की ट्राई करता है, धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है। शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गाँव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गांव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि
जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी जमीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की जमीन ले रहा है। पर क्लाइमैक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था। बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या से जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले, शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पे चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है, दोनों शादी भी कर लेते हैं जो कि वो दोनों पहले से जानते थे। अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब ये मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कांटारा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी की कहानी क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनका यहाँ पर नाम होता है शिवा। और इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है यानी कि जो शम्मी गौड़ा है, उनका यहाँ पर नाम होता है लीला। तो मूवी की काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग इस मूवी को देखने बैठेंगे तब आप इस मूवी को ज़रा भी बोर नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मेरी माने तो आप लोग इस मूवी को सिनेमा के अंदर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि सिनेमा के अंदर अच्छी लगती है, तो ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी को अगर आप लोग थिएटर में देखेंगे तो मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और मोबाइल में भी देख सकते हैं बट उतना ज़्यादा मज़ा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो सिनेमाज में मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1874 से, जबकि सॉरी 1847 से, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, बस एक कमी होती है, वो होती है शांति की। वो हमेशा मतलब टेंशन में रहता है और हमेशा वो सोचता रहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन उसको सपना आता है, सपने में यह कहा जाता है कि तुम एक बार घूमने निकलो, अगर तुम घूमने निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएंगी। अब यहाँ पर राजा किसी की बात मान लेता है और घूमने निकल पड़ता है। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पर एक वहाँ पर उसके भगवान की एक ऐसी प्रतिमा दिखती है जो उसको लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूवी की कहानी भगवान पर आधारित है। इस मूवी के अंदर आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने को मतलब देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी के अंदर नया कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वहाँ का जो कल्चर है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है और अगर जो हिंदी ऑडियंस है उनको ये मूवी दोस्तों वाकई पसंद आएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर होता है कि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि दरअसल भगवान वहाँ पर जो लोग रह रहे थे जंगल के अंदर उनके होते हैं, मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनको अपने साथ ले जाने दो ताकि मेरी जो समस्या वो सॉल्व हो चुके। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, बट मैं यहाँ से जितना चिल्लाऊँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उतनी ज़मीन तुम्हें इन लोगों को देनी होगी। अब वो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़मीन दे दूँगा। फिर भगवान वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ जहाँ तक जाती है वो ज़मीन राजा उनको दे देते हैं। फिर यहाँ से वो भगवान को अपने साथ लेके जाता है और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब शांति नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सारे ठीक हो जाते हैं। फिर मूवी की कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है
जहाँ पर उस राजा का बेटा होता है, उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस गांव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के अंदर होता ये है कि गांव का एक बंदा होता है जो एक गॉड का रूप लेता है, मतलब ऐसा मेकअप करता है जैसे लगता है कि वो भगवान है। अब उसके अंदर भगवान आते हैं और गांव वालों के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ठीक कर देते हैं। मतलब एक तरह से भगवान ही होते हैं और सब लोग समस्या बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, तो कब होगा। मतलब ये सारे सवाल भगवान को पूछते हैं और एकदम रियल होता है दोस्तों, भले ही आप मानते हो ना मानते हो, बट मूवी के अंदर बहुत ही करीब से दिखाया गया है और मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बनते हैं गांव के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो जो है शिवा, उसके पापा ही होते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, बट उसको इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का लुक था वो काफ़ी डरावने भी लगता है एक तरह से, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और मूवी देखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर वो राजा का बेटा आता है और ज़मीन वापस लेने की बात करता है कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए। अब यहाँ पर वो मना कर देते हैं, मतलब भगवान मना करते हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ये सौदा बहुत टाइम पहले हो चुका था और उसमें अब मैं कोई भी चांस नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि ये तुम ही बोल रहे हो या फिर जो मतलब वो बंदा होता है वो बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, ऐसा बता दे। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है, भगवान उसको बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो समझ लेना कि भगवान ने कहा था। अब यहाँ से जो भगवान है वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। फिर वो बंदा बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है अचानक से। अब यहाँ पर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि भगवान सच में है, मतलब भगवान नहीं कहा था। फिर होता ये है कि जो शिवा के पापा है वो नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम चला जाता है, शिवा के पापा नहीं मिलते, शिवा भी टेंशन में आ जाता है, शिवा बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर शिवा की कहानी में दिखाई गई है कि शिवा जो है जंगल में शिकार करता रहता है सुअरों का, मतलब वहाँ पर जो भी उनको मारते रहता है, और उनकी माँ को इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि शिवा ये सारे काम करे, गलत काम करे, उनकी माँ हमेशा उनको बोलती रहती थी कि बेटा ये सारे काम मत कर, पर शिवा को काम करने में मज़ा आता था, वो अपने जो सारे दोस्त थे उनके साथ जाता था और वो सब करता रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उस गांव के अंदर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि फॉरेस्ट का ही आदमी होता है, और गांव वालों को बोलता है कि तुम इस गांव के अंदर रह रहे हो पर तुम यहां पर जो हमारा पर्यावरण उसका नुकसान कर रहे हो, तुम सब लोग यहां पर पेड़ काट रहे हो और शिकार कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, आगे जाकर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें उसको बताते हैं शिवा को। तो शिवा बोलता है कि हम इस गांव के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और हमारा कल्चर और हमारे लिए जो सब कुछ है वो जंगल ही है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, उल्टा पुलिस वालों को समझाता है। तो पुलिस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर पुलिस वाला वहाँ पर एक गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया ही कह सकते हैं, उसे दोस्ती करता है। बट यहाँ पर जो गांव का मुखिया होता है वो भी सब लोगों के साथ स्कैम कर रहा होता है। दरअसल मुखिया कोई और नहीं बल्कि जो बंदा मरा था बहुत पहले उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि सब वो ज़मीन जो गई थी, भगवान ने दी थी ज़मीन, वो वापस लेने की ट्राई करता है। धीरे धीरे सब कुल्लू बना के ज़मीन लेता है, शिवा को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि शिवा को वो सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर शिवा को यह नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, बट बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। उस गांव के अंदर लड़की आती है जो कि उसने पहले ही पढ़ाई की थी फॉरेस्ट की और एक बहुत पढ़ाई करके आई थी, तो फॉरेस्ट ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन पुलिस वाले के साथ वो लड़की भी आती है, दरअसल उस लड़की की जॉब उसी गाँव के मतलब उसी गाँव के पास एक शहर होता है वहाँ पर लगी होती है और उसके अंडर ही उनका गाँव आता है। तो लड़की आती है साथ में, वो इंस्पेक्टर आता है और साथ में मुखिया भी होता है, वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर जो भी ज़मीन हो ले लेंगे, मतलब सारी ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ज़मीन आएंगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि गांव का मुखिया हमें सपोर्ट कर रहा है, बट पुलिस वालों को मालूम पड़ गया था कि मुखिया दरअसल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि एक गाँव वालों की ज़मीन ले रहा है। पर क्लाइमेक्स के अंदर सब एक तरफ हो जाते हैं, हमारे हीरो शिवा एक तरफ होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, शिवा का एक भाई भी होता है जिसको मुखिया ने मार दिया होता है धोखे से, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि अगर तुम सब लोगों को ये बोल दो कि भगवान मेरे अंदर आए थे, भगवान ने कहा था कि ज़मीन वापस देनी है मुखिया को, तो यहाँ पर वो मना कर देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने ना शिवा के भाई को मार दिया था। और शिवा को ये बात मालूम थी बट शिवा के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट शिवा को सारे प्रूफ मिल जाते हैं और शिवा भी बदला लेना चाहता है। फिर क्या ऐसे जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है, पुलिस वाले एक साइड पे होते हैं और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पर जो शिवा के साथ हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले शिवा का पूरा गाँव और एक साइड जो मुखिया और मुखिया की आर्मी, जो लास्ट का क्लाइमेक्स चलता है कमाल का होता है, और क्लाइमेक्स के अंदर मुखिया का सर काट देता है पुलिस, मतलब यहाँ पर जो शिवा है। और शिवा भी एक फिर बाद में अपने पापा की तरह गॉड बन जाता है, वो सारे मेकअप करता है, उसके अंदर भी गॉड आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिवा भी गायब हो जाता है। वहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जो परिणाम है उसको इसी जन्म में मिलना है। तो काफ़ी सही मूवी है और क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी कमाल का था। इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है और कुछ सिनेमाज में रिलीज़ किया गया है। अगर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है वहाँ पर यह मूवी लगी है तो ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और बाद में जो शिवा है और वो जो पुलिस वाली लड़की होती है दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो कि वो दोनों पहले से जानते थे।
अब यहाँ पर शिवा गायब हो जाता है और उसका मतलब पेट के अंदर भी शिवा का बच्चा है, तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट के अंदर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मूवी के अंदर जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये दोस्तों पैन इंडिया मूवी नहीं थी, इस मूवी को हिंदी में और जो वहाँ की भाषा है कन्नड़ भाषा उसमें रिलीज़ किया गया था। अब ये मूवी हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी अमेजन प्राइम के ऊपर, क्योंकि अमेजन प्राइम ने इसके राइट्स को ले लिया है। तो मूवी आपको बहुत जल्दी ही अमेजन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। जैसे इस मूवी के ऑफिशियल डेट आती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा।